नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही यूनिक सा नेक डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे और ऐसा डिज़ाइन आपने अभी तक नहीं देखा होगा। और इस डिज़ाइन को हम एक ओरेप पट्टी से बनाएंगे। ये हमने एक मैचिंग कलर की ओरेप पट्टी ली हुई है, तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम अपने नेक की कटिंग करेंगे बुकरम पर। इसका साइज़ हम आपको बता देते हैं, इसकी लंबाई है 16 इंच और चौड़ाई है 8 इंच। इसे ऐसे बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। हमारी ब्रॉडनेस है 6 इंच, उसका आधा करने के बाद 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे और डीपनेस हमारी रहेगी 5 इंच। और इन सभी निशानों को हम ऐसे आपस में मिला लेंगे और यहाँ पर हम राउंड आकार में शेप देंगे इस प्रकार से। और इसके नीचे की साइड हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर। ये हमारी कटिंग करने के बाद 1.5 इंच हमारा यहाँ पर पैटर्न लग जाएगा, ये देखिए। अब इसके बाहर की साइड हम फिर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे, पहले अंदर की साइड से कटिंग करेंगे और उसके बाद बाहर की साइड से। और ये देखिए, ये हमारा नेक कट चुका है। अब हम इसे कुर्ती के सेम कपड़े पर रखकर चिपका लेंगे। और ये हमने अपने नेक को कपड़े पर अटैच कर लिया है और साथ ही बाहर से 1/2 इंच कपड़ा बुकरम के ऊपर भी फोल्ड कर दिया है, एक सेंटर कट लगाया है। अब इसे हम अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। ये हमारी कुर्ती का सीधा भाग है, हमने सीधी तरफ से फैला रखा है। अब अपने नेक को ऐसे फ्रंट पर रखेंगे और बीच में रखने के बाद एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, इससे हमारा नेक इधर उधर नहीं होगा। और उसके बाद हम बुकरम के बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद अंदर से कपड़े की कटिंग करेंगे, थोड़ा कपड़ा छोड़कर। और ऐसे नोक में कट लगाएंगे, ऊपर गोलाई में भी कट लगा लेने हैं। और इसके बाद हम अपने नेक को अंदर के साइड पलट लेंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। ये हमने प्रेस लगा दिया और हमारा नेक जम गया है। अब हम नीचे से डिजाइन तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमने ये ओरेप पट्टी ले रखी है, इसकी हम एक पतली डोरी बनाएंगे और ऐसे अपनी पट्टी को मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद सिलाई लगाएंगे आधे पैर। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे, तो हमें कपड़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा छोड़ना है, हमारी डोरी कड़क आएगी। सिलाई से लगभग हमने 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अब हम इसे पलट लेंगे और ये हमने अपनी पतली डोरी को पलट लिया है। अब हम इसे कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे, ऐसे टांका लगाकर। तो चलिए अब हम आपको बनानी बताते हैं। तो इसे इस प्रकार से मोड़कर, ये देखिए, ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ पर टांका लगाएंगे। मजबूत टांका लगाकर फिर दूसरी साइड मोड़ेंगे।
ये हमारी बिल्कुल बराबर दूरी हो। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर टांका लगाएंगे। और इसी प्रकार से हम अपने सभी टाके लगा लेंगे। और ये हमने अपने सभी टाके लगा लिए हैं अपनी डोरी में। अब हम एक पैटर्न तैयार करेंगे। ये हमने 2.5 इंच चौड़ा एक बुकरम का पीस लिया हुआ है और जिसकी लंबाई हमने 10 इंच ली है। अब इसे हम कपड़े पर अटैच करेंगे इस प्रकार से। इसके दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। अब इसके दोनों तरफ से कपड़े की कटिंग करेंगे। एक सेंटर निशान लगाएंगे। ये हमने सेंटर निशान लगा लिया है। अब हम इसके दोनों तरफ 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर निशान लगाएंगे। ये हमारा 1.5 इंच आ जाएगा। और ये हमारा बीच में निशान 1.5 इंच पर आ गया है। और 1.5 इंच ही चौड़ा ही हमने अपना पैटर्न तैयार किया है। हम अपने पैटर्न को कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर रखेंगे और दोनों तरफ टाका लगाएंगे। ये सुई धागे से हम इस प्रकार से ऐसे हम टाका लगाएंगे बिल्कुल बराबर दूरी पर। पहले हम एक साइड टांका लगाएंगे और फिर दूसरी साइड, और इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। उसके बाद हम अपने नेक में से अटैच करेंगे। और ये हमने टांका लगाकर अपने डिजाइन को पैटर्न पर अटैच कर दिया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे इस प्रकार से। तो चलिए सिलाई शुरू करते हैं। यहाँ से हमने किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आने के बाद अब हम अपने पैटर्न को इसके नीचे रखेंगे। और डोरी के बराबर बराबर इस प्रकार से इसे रख लेंगे। और रखने के बाद इसके ऊपर भी हम कन्नी की सिलाई लगाएंगे। और ये हमने अपने पैटर्न को अटैच कर दिया है। अब हम अपने नेक में पाइपिंग निकालेंगे। ये हमारी ओरे पट्टी है। हम अपने नेक को इस प्रकार से उल्टा इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पर इसके नीचे हम ये पट्टी रखेंगे। और जितनी बारीक हमें पाइपिंग निकालनी है उतनी बारीक हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इस प्रकार से कपड़े को अंदर के साइड लेंगे और पाइपिंग के बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे। पहले हमें हल्के से कट लगा देने हैं। और ये हमने अपने नेक में पाइपिंग निकाल दिया और इसी के साथ हमारा डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों हमारा डिजाइन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
नमस्कार।